वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 3। तो कल हमने चैप्टर नंबर जो 5 किया था उसमें जो सम लीगल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अलग अलग जो रूल एंड रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ एनवायरमेंट मैनेजमेंट पार्ट 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट में आपको समझा दिया जाएगा आपने क्या होमवर्क करना है। तो जहाँ तक आपका सिलेबस ख़त्म होता है चैप्टर यूनिट नंबर 2 तक, फर्स्ट हमने कर लिया था पहले, ये यूनिट नंबर 2 आज ख़त्म हो रहा है। और जो पास का सर्वे है वो इसी से ही कल आपका जो पेपर होना है इन चैप्टर में से ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अप्रोचेस फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई हैं और क्या करना चाहिए। वी कैन अचीव द गोल टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्या है, इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी का प्रभाव कम करना है, और अदर वर्ड अगर देखें स्ट्रेस करता है रेगुलेशन और प्रॉपर यूज़ ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं कल हमने पता किया था, बताया था, पानी है, मिट्टी है, जंगल है, उनका अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे में यूज़ करना ताकि वो ख़राब ना हो। और इसमें क्या कैसे किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव इकोनॉमिकल पॉलिसी बने, मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट थ्रू एनवायरमेंटल इंडिकेटर, सेटिंग सम एनवायरमेंट स्टैंडर्ड एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड सर्विलेंस। तो ये चीज़ें जो हैं इनका बनना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। जो पॉलिसीज़ होती हैं इसमें इकनॉमी जो पैसे से रिलेटेड है वो प्रॉपर पॉलिसीज़ बननी चाहिए। जैसे फर्स्ट टॉपिक में वाइल बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोडिशियल लॉ रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल नीड टू बी टाइटन्ड, व्हाट इज़ बेसिकली नीडेड इज़ सोशल विल एंड कोहेरेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें समाज की एक इच्छा होती है और एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी बननी चाहिए ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके। इन्वायरमेंटल प्लान एंड प्रोग्राम नीड टू बी री इन्फोर्स बाई एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट। तो एग्जीक्यूटिव जो उसको संचालन करने वाले ऑफिसर हैं वो अच्छे से इसको लेके आए, उसको इन प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आए ताकि उनको किया जा सके। तो इसमें क्या है, फॉर दिस आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमें क्या करना चाहिए, फर्स्टली अप्रोप्रिएट प्राइसिंग, हमें जो चीज़ों की कीमत है उसको अच्छा एक अप्रोप्रिएट रखना चाहिए, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, ताकि हर एक बंदा खरीद सके। जैसे रिसोर्सेज आर ओफन सोल्ड एट वेरी लो प्राइस लीडिंग टू देयर एक्सप्लोटेशन। ऐसा भी देखा जाता है जिन चीज़ों को हम सस्ता बेच देते हैं, जिनकी कीमत कम होती है, वो इसलिए लोग ज़्यादा लोग उसको खरीद लेते हैं, सस्ती चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे द सब्सिडीज़ ऑन इरीगेशन वाटर हैव लेड टू प्लानिंग प्लांटिंग ऑफ हाईली वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप इन इंडियन रीजन एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में क्या है, पानी का काफ़ी सस्ता है किसानों को, उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, उनको बिल कम आते हैं, तो इसलिए वो ऐसी फसलें बेचते हैं जो जिनको ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे आपके लिए राइस है, पैडी फील्ड है, जो लगाते हैं चावल वगैरह उगाते हैं, उनको ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी सस्ता है इसलिए वो ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इन अप्रोप्रिएट जो सब्सिडीज़ हैं इसके ऊपर हटा देनी चाहिए, किसानों को प्रॉपर बिल आना चाहिए। टैक्स बेस्ड ऑन पॉल्यूशन लोड, जो प्रेजेंटली एफुलेंट स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्री हैव टू इंसेंटिव टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ सच सिस्टम इंस्टेड ए पॉल्यूशन टैक्स शुड बी लीड सो डैट इंडस्ट्रीज पे टैक्स ऑन प्रपोर्शन टू द पॉल्यूशन दे जनरेट। यानी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको लॉ बनना चाहिए ताकि अगर वो जितना पॉल्यूशन करे उतना वो टैक्स दे, और उसको खतरा होगा कि हमने टैक्स क्यों देना है, इसलिए अपने जो मशीन्स हैं, अपने जो मशीनरीज हैं, इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं, उसको जरूर रिपेयर करेंगे, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे पोल्यूशन कम होगा। तो इसलिए जो फैक्ट्री के जो वर्क मालिक हैं उनको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इसलिए अच्छा वो वर्क करेंगे। हायर क्रेडिट रेटिंग फॉर ग्रीन इंडस्ट्रीज़, जो ग्रीन इंडस्ट्रीज़ है जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसको नॉमिनेट करना चाहिए, उसकी रेटिंग होनी चाहिए। रिड्यूस द सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, जो खादें किसान यूज़ करता है चाहे यूरिया है उसकी जो सब्सिडी है वो कम करनी चाहिए। पेस्टिसाइड जो काफ़ी ज़्यादा सस्ते दे रहे हैं, जो छिड़काव करते हैं नींदनाशक हो गया कीटनाशक का, तो वो ज़्यादा कर देते हैं,
ज़्यादा छिड़काव करने से आपका सॉयल एंड वाटर दोनों ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल और परसिस्टेंट काफ़ी होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी बता देते हैं। ये मैंने काफ़ी पहले वीडियो डाला था, उसमें भी आप देख सकते हो विद देयर फोटोग्राफ। तो यहाँ भी हम कवर करेंगे। इंडिकेटर एक पैरामीटर होता है और वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम पैरामीटर विच पॉइंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द फिनोमेना एनवायरमेंट एरिया विद ए सिग्निफिकेंस। सो इंडिकेटर हमें बता देता है किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी। तो इससे पता चल जाता है हमारा इन्वायरमेंट कितना साफ है, कितना पोल्यूटेड है। एज द नेम टेल इन्वायरमेंटल इंडिकेटर जो है ये क्या इंडिकेट करता है, कंडीशन बताता है इन्वायरमेंट की, इंफॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दे रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर जो है सिंपल मीयर डेट टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग इन इन्वायरमेंट, एक अच्छे एक मेजर स्टैंडर्ड होते हैं, हमें सीधा बता देते हैं इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। दे प्रोवाइड इनसाइड फिनोमिना एक्सटेंड बियॉन्ड व्हाट एक्चुअली मेजर। अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट की टॉलरेंस के ऊपर इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है वो भी पता चल जाता है इसमें। जैसे इंक्रीज इन द मीन एनुअल एयर टेम्परेचर नॉट ओनली टेल अस द एयर टेम्परेचर है चेंज व्हाट मे आल्सो प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हवा जितनी गर्म हो रही है एवरेजली पूरे साल में देखते हैं हवा कितनी गर्म हुई है, कितनी गर्म हवाएं फ्लो हुई हैं, तो उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग का भी पता चल जाता है। मीन एनुअल जो एयर टेम्परेचर है जो इंडिकेटर है स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट इन सिमिलर टू वेन ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स हैं, जैसे हमारी वेन्स चलती हैं, पल्स चलती है, नब्ज चलती है, तेज चलती है, कम चलती है, इससे पता चल जाता है। तो ये इंडिकेटर का काम करता है। तो ये एक एग्जांपल थी, और भी के इंडिकेटर हैं जो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर है। तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं और ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इंक्लूड द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर और नंबर ऑफ द ब्रीडिंग बर्ड इन एरिया। इंडिकेटर कैन आल्सो मेजर ह्यूमन एक्टिविटी और एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर सच एज ग्रीन हाउस गैस इमिशन और सिटियल रिस्पॉन्स यूज इन एड्रेस टू एनवायरमेंट इशू। तो ये फिजिकल में फिजिकल फैक्टर आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो ज़्यादा आजकल टेम्परेचर की ही प्रॉब्लम है, तो ये इससे हमको पता चल जाता है ग्रीन हाउस गैसेज कितनी इमिट हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। और बायोलॉजिकल में कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जैसे ब्रीडिंग बताइए बर्ड्स की किसी एरिया में, वो डिसाइड होती है। और केमिकल फर्टिलाइज़र कितना केमिकल आ गया, तो केमिकल ज़्यादा होगा सॉइल की फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पानी में पोल्यूशन आ जाएगा और प्लांट को भी इफेक्ट होगा। इंडिकेटर के क्या फ़ायदे हैं, दे आर टूल, जो टूल का काम करते हैं, दे कैन बी यूज टू सी इफ इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव आर मिट, क्या हमें इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं। दे कैन बी यूज टू कम्युनिकेट द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट टू जनरेट पब्लिक डिसीजन मेकर, और दे कैन यूज टू डायग्नोस्टिक टूल, टूल का काम करते हैं जिससे इन्वायरमेंट में क्या ख़राबी हो रही है पता चल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप पोल्यूशन क्या है और इसके इंडिकेटर क्या है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर के बारे में, एयर क्वालिटी, वेस्ट जनरेशन, फ्रेश वाटर क्वालिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ओजोन लेयर के ऊपर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पता चल जाता है, एयर क्वालिटी सॉक्स एंड नॉक्स SO SO2 SO3 गैसेज NO2 गैसेज की इंटेंसिटी पता चल जाती है एयर पोल्यूशन के बारे, और ये एसिड रेन क्रिएट करती है पता ही आपको, वेस्ट कितना आ रहा है म्यूनसिपैलिटी में, वेस्ट क्या है, फ्रेश वाटर क्वालिटी में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के प्लांट हैं या नहीं है। तो ये इंडिकेटर हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर में ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे ही बात कर रहा है, ये टॉपिक बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये भी आप पढ़ लीजिए साथ में। सम ऑफ देम हैव एबिलिटी टू कम्युलेट हजारडियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, के ऐसे प्लांट होते हैं, कई ऐसे माइक्रोब होते हैं जो खतरनाक केमिकल को, रेडियोएक्टिव केमिकल को, जब कैडमियम क्रोमियम को, ऐसे खतरनाक केमिकल जो कैंसर कोज कर देते हैं उनको अपने अंदर समा लेते हैं। देयर लाइफ प्रोसेसेस आर अफेक्टेड बाय पोल्यूशन प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उनके जो इंडिकेटर में उसकी प्रोसेसेस चेंज हो जाती हैं अगर पोल्यूशन में रह रहे हैं। चेंजिंग नंबर ऑफ द स्पीसीज एंड स्ट्रक्चर, तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन होना जो इंडिकेटर है, एनिमल है या प्लांट है, जो कम होंगे या ज़्यादा हो जाएंगे ये भी पता चल जाएगा। फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे प्लांट इंडिकेटर।
प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकन है, लाइकन आपने पढ़ा होगा जी, एयर की क्वालिटी पता करवाते हैं। लाइकन को हम मॉस कहते हैं, एल्गी के बाद जो प्लांट आते हैं वो लाइकन होते हैं। लाइकन कैन आर ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बोथ फंजाई एंड एल्गी, दोनों ही साथ में होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। दे आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर बेस्ड पोल्यूशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसों के हिसाब से ये ग्रो होते हैं। देयरफॉर रेयरली फाउंड इन लार्ज सिटी एंड टाउन और बाय रोड, जहाँ लाइकन ज़्यादा ग्रो करेंगे वहाँ क्या होगा, साफ इन्वायरमेंट होगा, जहाँ लाइकन नहीं होंगे वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा। अकम्बुलेशन ऑफ एल्गी इन एक्वाटिक सिस्टम इंडिकेट द ऑर्गेनिक पोल्यूशन, जैसे हमने एल्गल ब्लूम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ज़्यादा ग्रो कर जाती है पानी के ऊपर, काई काई जम जाती है, वो पानी वो होता है जो इंडस्ट्री से आया होता है या फर्टिलाइज़र का रन ऑफ वाटर होता है सॉइल का, क्योंकि इसमें नाइट्रेट फॉस्फेट पोटाशियम ज़्यादा होता है और इससे माइक्रोब ग्रो कर जाते हैं, इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। प्लांट लाइक यूट्रिकलेरिया चारा बोल्फिया जो है पोल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं मोस्टली, तो पानी कितना पोल्यूटेड है इन प्लांट की ग्रोथ से पता चल जाता है। फर्टाइल सोल स्पोर्ट्स सच एज द नीटल एंड चिकबीड, ये कुछ बीड्स होती हैं ग्रो होती हैं वहाँ पे। नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन जो है, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम ज़्यादा है वहाँ पता चल जाएगा सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है। प्लांट लाइक एमरेंथस चिनोपोडियम पॉलीगोनम, चिनोपोडियम होता है बाथू आपने सुना होगा, बेटर ग्रोन ओवर ग्रेज एरिया, जहाँ पे पशु ज़्यादा चरते हैं वहाँ जे ग्रो करते हैं। वाटर लोज और पुअरली ड्रेन्ड लैंड इज इंडिकेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज सच एज मॉस एंड फर, जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा रहेगा या कम पानी की ड्रेनिंग्स होगी, पानी इकट्ठा रहता है वहाँ, नालियों की प्रणाली नहीं, पानी पास करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे आपको मॉसीज एंड फर्न मिलते हैं। पॉपुलस टेरिस जो है मोस्टली ग्रोन इन एरिया डिस्टर्बड बाय फायर, यहाँ कई जगह पे आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग जाती है, तो वहाँ आपके पास टेरिस वगैरह और पॉपुलस ये ट्रीडोफाइट हैं ये वहाँ ग्रो करते हैं। प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल लैंड, अगर ज़्यादा फॉरेस्ट हैं जहाँ घनी झाड़ियाँ हैं प्लांट हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो ज़मीन जहाँ ज़्यादा उपजाऊ है। अगर पुअर वेजिटेशन है, अगर वहाँ घास नहीं है, मिट्टी मिट्टी है, तो वो क्या होगी, बंजर ज़मीन होगी, स्टेराइल होगी। टाइप ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन पर्टिकुलर एरिया गिव द आइडिया ऑफ क्लाइमेट टाइप, कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है इससे हमें पता चल जाता है कौन सा क्लाइमेट है उसका। ग्रास लैंड इंडिकेट द हैवी रेन इन समर एंड लेस इन विंटर, वाइल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिकेट हैवी रेन इन बोथ सीजन, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इसमें दोनों साल में 6 महीने के 2 मेन मौसम होते हैं, 6 मंथ के, दोनों में प्रॉपर बारिश रहती है, तो जो ग्रास लैंड में क्या होगा, हैवी रेन समर में होगी, विंटर में कम होगी। उसके बाद एनिमल इंडिकेटर, ये प्लांट थे, अभी एनिमल की बात करते हैं। एनिमल भी कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर का रोल प्ले करते हैं। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनिमल पॉपुलेशन में इंडिकेट द डैमेज ऑफ इकोसिस्टम, जैसे माइक्रोबियल इंडिकेटर, जैसे ईकोलाई एक बैक्टीरिया है बहुत यूज़फुल है, और डायटम इन वाटर इंडिकेट द पोल्यूशन ड्यू टू सीवरेज, सीवरेज पोल्यूटेड वाटर में डायटम ज़्यादा होंगे और ईकोलाई ज़्यादा होगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन जिसको स्ट्रेस प्रोटीन कहते हैं, बिन एक्सपोज टू कंटेमिनेशन लाइक कैडमियम बेंजीन, अगर इस जगह में ये ग्रो कर रहे हैं तो उसमें ऐसी प्रोटीन बनेंगी जिसमें जो ये ख़त्म नहीं होगी, इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। दिस स्ट्रेस प्रोटीन आर यूज अर्ली वार्निंग सिस्टम टू डिटेक्ट लो लेवल ऑफ पोल्यूशन, तो अगर माइक्रो में वो ऐसी प्रोटीन वो बना रहा है, इसका मीनिंग है वो एक अब नॉर्मल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, अब हमने स्टैंडर्ड को सेट करना है, इसके लिए इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूशन हो, कितना पोल्यूशन ना हो, क्या कितना हमने जंगलों को काटना है, ये सारा एक स्टैंडर्ड है। इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF प्रोग्रेसिवली अटैम्प्ट बना रही है टू डिसेमिनेट क्लीन टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट थ्रू प्रोपागेशन ऑफ सेटिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक बनाती जा रही है, उससे इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टी को एक बेटर वे में तैयार किया जा रहा है। Acceptable level of the specified environmental quality parameter at different category of location, तो इसको ambient standard कहते हैं। As well as the permissible level of dischargeable or specified based stream by different classes of emission, ambient है normal, रह रहे हैं वहाँ कितना सीवरेज हो सकता है, कूड़ा करकट हो सकता है, वो ambient है, tolerable है, उससे इतना quality को नुकसान नहीं होगा। और अगर वो ज़्यादा factory धुआँ छोड़ रही है, गंदा पानी फैक्ट्री का निकल रहा, फर्टिलाइज़र का, मेडिसिनल फैक्ट्री का निकल रहा, तो ओमिशन है।
इट इज़ नो वेल अंडरस्टूड दैट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड कैन नॉट बी यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं हो सकते, एक पर्टिकुलर जगह का अलग स्टैंडर्ड होता है, किसी जगह का अलग होता है। सो एफुलेंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वो एफुलेंट होता है। फ्यूल स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल, इसकी बात करें अगर हम फ्यूल की बात करें तो व्हीकल का कितना डीजल पेट्रोल यूज़ हो रहा है। रूल फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये सारे कुछ रूल बने हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ फ्लो चार्ट बना है, आप देख सकते हो। सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB 1994 में उन्होंने ये पैरामीटर लगाया था, इसके अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन, नॉक्स, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, SPM वगैरह, इसकी कितनी क्वांटिटी हो, इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल में हो, सेंसिटिव एरिया जैसे हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ कितना पोल्यूशन, ये अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे ये पेपर में आपको आएगा नहीं, हायर लेवल पे ये काफ़ी यूजफुल स्टैंडर्ड है। वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया, वाटर क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या है, जैसे अगर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, कोई ड्रिंकिंग वाटर है जिसको डिसइंफेक्शन डाल देते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं वाटर की, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, उसके लिए क्लास ए है। ऑर्डर बाथिंग उसके लिए बी है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है जो ड्रिंकिंग वाटर का, वहाँ देख लिए pH कितनी होनी चाहिए, डिजॉल्व गैसेज, BOD और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ऑर्डर वाटर की नहाने का पानी उसकी क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, अगर उसको ट्रीटमेंट करके पीने लायक बनाया जाए डिसइंफेक्शन करके, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोपागेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी, इरीगेशन इंडस्ट्री, कूलिंग, कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर ABCDE, तो इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं कितना पानी की जो पर्टिकुलर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो स्टैंडर्ड ABCDE। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टैंडर्ड बनाया है जहाँ पे एरिया कोड है ABCDE, चार कोड है, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंस। तो ये नॉइस का है, दिन में पोल्यूशन कितना होना है, रात में कितना होना है, डेसिबल में पोल्यूशन कंट्रोल या इसका यूनिट होता है, इसमें इसको नापा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पर्टिकुलर यहाँ कोड बने हुए हैं, इससे आप देख सकते हो किस एरिया में कितना साउंड पोल्यूशन होना चाहिए। सो डे टाइम में रिकॉर्ड इन बिटवीन 6 AM टू 9 PM होता है, नाइट में 9 बजे से दिन के 6 बजे तक होता है। साइलेंस जोन जो है उसमें 100 मीटर एरिया के बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती जिसमें कोई पोल्यूशन हो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का लोगो बना है, ये आप देख सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड ISO, इसका मार्क लगा होता है एक चीज़ के ऊपर। सम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफिकेट ISO हो गया, IAF इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम वेरीफाई द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट EMS ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जैसे ISO 14000 है, आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इनमें क्या रिक्वायर है, अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए होनी चाहिए, पूरा लीगल होना चाहिए, फिर ये स्टैंडर्ड मिलता है ISO 14001। ISO 190/11 ये भी है, ISO 14000 भी है, BS 7750 है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है ये। ये अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं जो अलग अलग आप ले सकते हैं, ये अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलते हैं, सभी को सारे सर्टिफिकेट नहीं मिलते। यूजेस क्या है इन लोगों के, ये जो लोगो है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, जैसे इको मार्क है ये आपने देखा होगा, जो बायोलॉजिकल जो ग्रीन प्रोडक्ट होते हैं जिसमें केमिकल नहीं यूज़ होता, प्योरली जो कह सकते हैं आप इसको केमिकल प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, उसमें लगता है इको मार्क, जैसे देसी घी होता है। तो लेबल जो है इसका, इसमें इको मार्क लिखा होना चाहिए, इससे हमें पता चल जाता है जो प्रोडक्ट बना है यूज़ फॉर डिस्पोजल इन एनी वे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हार्म, जैसे देसी घी है उसमें कोई केमिकल ना हो, तो अगर वो फेंक भी दिया जाए तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, इवन जो सॉइल के माइक्रोव हैं वो मरेंगे नहीं, क्वालिटी डैमेज नहीं होगी, वो इसके लिए फूड का काम करेगा। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड सर्विलेंस, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट है, एक्सचेंज क्या करना है, कैसे मटेरियल देना है, इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो फॉरेस्ट है MOEF है,
इन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हो एक सिस्टम बना हुआ है, एक पोर्टल है, आपको ऑनलाइन मिल जाता है, एनबिस नेशनल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे आपको पता चल जाता है, आप इसको नेट पे भरोगे आपको पर्टिकुलर एरिया का एनवायरमेंट मिल जाता है। ये आपने इसके लिए टेक्नोलॉजी है PSCST पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक वेबसाइट है इनकी, ये एक डिपार्टमेंट है, इसकी साइट है, इसके साथ में लगा के आप कर सकते हो। SNDP जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क प्रोग्राम है, इसमें हमने कैसे सस्टेनेबली रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कम करना, ज़्यादा करना है, कितना पोल्यूशन होना चाहिए, सारा इसके अकॉर्डिंग हमें डाटा मिल जाता है। ई नीरी जो है, यह न्यूज़, ई नीरी का मीनिंग है न्यूज़ सेटलर ऑफ रिन्यूएबल सोर्स एंड एनवायरनमेंट, ये ऑनलाइन मैगजीन होती है, इससे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो रिसर्च हैं, जो पब्लिकेशन है, छपती रहती हैं, इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो बच्चे काम करेंगे। इसके लिए आपको NGO होने चाहिए, CPR एनवायरनमेंट एजुकेशन सेंटर, NEAC नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स, इको क्लब, पर्यावरण बहनीस, सेमिनार, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, पब्लिसिटी थ्रू स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के पर लगाना चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लोगो फिल्म होनी चाहिए, इसकी मूवीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए, कम्युनिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे हम एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सारा टॉपिक आज का, इसमें आपने जो सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देख लीजिए कौन सा करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 एनवायरमेंटल इंडिकेटर, इसके ऊपर आपने लिखना है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका जो टॉपिक है, आपका यूनिट नंबर 2 इसके साथ कवर होता है, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू क्लियर दिस चैप्टर इवन दिस यूनिट। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जिन्होंने अभी होमवर्क नहीं भेजा तो मुझे काइंडली होमवर्क भेज दीजिए। थैंक यू।